ओके सो हम लोग इंडक्टर पढ़ रहे थे और इंडक्टिंग कॉइल से रिलेटेड कुछ सर्किट भी देखा था, कुछ और भी देखते हैं। देखिए, इंडक्टिंग कॉइल का जो हम लोगों ने मेन चीज जो पढ़ा था ना, कि फ्लक्स जो लिखते हैं हम लोग वो लिखते हैं LI, हाँ, वेयर L जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या बोलते हैं फ्लक्स चेंज होता है तो हम लोग d∅ by dt लिखते हैं माइनस। नाउ ये बात हम लोग लिखते हैं इंडक्टिंग कॉइल ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन इट्स फ्लक्स। हाँ जी, नाउ और कुछ लिखा जाए, फ्लक्स कैन नॉट बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली इन विच इन विच ब्रांच, है ना, इन विच ब्रांच वेयर इंडक्टिंग क्वाइल इज प्रेजेंट या कनेक्टेड, है ना, ये चीज रहता है। देखिए सीन्स क्या होता है कि अगर सपोज अगर हमारा कोई ये इंडक्टिंग कॉइल है, कुछ और भी बॉक्स वगैरह या और भी कुछ चीजें दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए फ्लक्स जो होता है अचानक से इस सर्किट में कहीं से कुछ भी चेंज होता है, या मान लीजिए कि यहां भी कुछ और था और वो चेंज हो जाए, समझ रहे हैं, मैं ऐसे कुछ कनेक्शन को लिखता हूं। हाँ तो देखिए बात ऐसा है ना कि इसका फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसको जैसा भी लिखें, हम लोग स्विच लिख लें। हाँ तो देखिए बात ऐसा होता है कि इसका जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स जो होता है वो ऐसे लिख सकते हैं L1 I1 = L2 I2, ए सॉरी L2 I2। मतलब क्या है कि इफ, हाँ जी, इंडक्ट या सेल्फ इंडक्टेंस लिख देंगे, इंडक्शन कॉइल, हाँ, इफ इंडक्शन कॉइल रिमेन अनचेंज्ड, मैं बोल रहा हूं दैट इज एल कॉन्स्टेंट है ना, हालांकि इसको भी चेंज करा सकता है। तो दिस इंप्लाइज आपका क्या होता है ना कि करंट भी चेंज हो जाएगा। L1 = L2 है तो दिस इंप्लाइज कि I1 = क्या आ जाएगा, I2, दैट इज करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली इन विच इंडक्टिंग कॉइल इज कनेक्टेड। देखिए मेनली तो फ्लक्स का होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए कि इंडक्टिंग कॉइल को हम लोग अल्टर ना करें, जैसे कोई कॉइल दिया हुआ है, अगर इस तरीके से दे रखा है कि सपोज ये कोई कॉइल है, हाँ जी, और ये रहा L1 और I1 है, तो अगर आप इसको इस तरीके से अल्टर कर दिए, हाँ, तो ये अगर आपका L2 हो गया तो ये I2, मतलब
इंडक्टिंग कॉइल चेंज होगा तो आपका ये आ जाएगा, अब आपका L1 नॉट इक्वल्स टू L2 है, तो दिस इंप्लाइज I1 भी नॉट इक्वल्स टू I2 आएगा। एज क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है ना वो आपका कांस्टेंट होता है। हाँ, अगर इंडक्टिंग कॉइल को चेंज कर दीजिएगा तो आपका करंट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इंडक्टिंग कॉइल का नहीं होता कि कॉइल रिमेन अनचेंज्ड, उसमें हम कोई ज्योमेट्रिकल चेंजेस या ये सब ना करें, हम जानते हैं कि करंट चेंज होने से एल चेंज नहीं होता, तो अगर हम लोग एल चेंज नहीं होगा, अगर आप लिख सकते हैं और ये बात रहता है ना। नाउ देखते हैं, इसके हेल्प से हमने कुछ लिखा भी था क्या कि इनिशियली अगर इंडक्टर में करंट नहीं है, हम लोग ग्रोथ वाला बात लिखते हैं, तो इनिशियली करंट जीरो है तो तुरंत के तुरंत वो जो इंडक्टिंग कॉइल होगा वो कैसा बिहेव करेगा, करंट जीरो यानी कि क्या शॉर्ट सर्किट है ना, सॉरी जीरो है तो करंट होगा ही नहीं, यानी कि ओपन सर्किट ना है ना। इसी तरीके से बाद में करंट लास्टली सेचुरेट हो जाता है एंड फिर जाके आपका जो करंट होगा वो चेंज नहीं होगा है ना, और वो बात करता है फिर लास्टली ओपन सर्किट। ध्यान देखिए, मैं बोलूंगा इन्हीं बातों का रखना है, इसका इसका है ना। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे अगर हम लोग लिखें, हाँ जी, तो ये चीज़ हम लोगों ने लिखा है क्या, अगर इंडक्टिंग कॉइल है, रजिस्टर है और हम लोगों ने ये सब लिख रखा है, ये R है, ये L है और ये E है, तो पहला तो T इक्वल्स टू ज़ीरो क्या है, I इक्वल्स टू ज़ीरो दैट इज सॉरी ओपन सर्किट, हाँ जी ठीक है ना, और ये बिहेव करेगा ये इस तरीके से, करंट जीरो था तो जीरो ही रहेगा, आई की वैल्यू क्या जीरो ना। दूसरा हम लोगों ने देख रखा था कि हाँ जी आई जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा और वो ई बाई आर, हाँ जी यही आई नॉट या मैक्सिमम होता है बिल्कुल। और अभी अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा शॉर्ट सर्किट, हाँ जी क्यों, क्योंकि डी आई बाई डी टी जीरो होता है बिल्कुल। अब ये ऐसे रहेगा इस तरीके से तो है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। हाँ, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी एल लिखोगे तो वो जीरो आएगा, समझे हाँ, और जो करंट होगा वो आपका आई नॉट मैक्सिमम आ गया, वो ई बाई कितना आर आ गया है ना, ये चीज होता है। देखिए इंस्टेंटेनियसली करंट चेंज नहीं होता ना, ये हर इंडक्टिंग कॉइल करेगा कब तक, जब तक एल सेम रहेगा तभी, नहीं तो मेन फंडा क्या होता है आपका ये होता है फ्लक्स है ना। एनीवे हम कुछ और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। R, ये भी R, R, राइट E, I, I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2
एट पहला t इक्वल्स टू जीरो और सेकंड t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। समझ रहे हैं, है ना? अगर आप चाहें तो कनेक्शन को, चलिए हम यहाँ से इस तरीके से, ठीक है ना, कि आप इसको एक स्विच बना देते हैं हम, हाँ तो ये हो गया। एनीवे सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, हाँ या इसको हटाइए, इसको कोई करने की जरूरत नहीं, टी कोस टू जीरो पर ही ये कनेक्शन है। वैसे लिख सकते हैं कि टी कोस टू जीरो पर स्विच क्लोज करा और बहुत लंबे टाइम बाद बताइए, तो वो लैंग्वेज वाला बात है। एनीवे इट्स मोर देन सफिशियंट। नाउ t इक्वल्स टू जीरो पर i1 आपका जीरो होगा, ये फॉर श्योर है बिल्कुल, और ओपन सर्किट। हाँ जी, ये इसको अगर आप चाहें तो ड्रॉ करें, कोई ज्यादा जरूरी वाला बात नहीं है, समझ रहे हैं, है ना? और हमारा ये काम आएगा आर आर, है ना, ये सॉरी आई, ये आई वन हमारा जीरो हो चुका है और ये रहा आई टू, है ना? तो क्या लिखा जाए, I एंड I2 दोनों बराबर होंगे और I की वैल्यू हो जाएगा E R और R, क्या? आई होप कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा E बाई टू आर, ये हमारा T इक्वल्स टू जीरो पर है, ऐसा है ना? ना लंबे टाइम बाद आप उसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, वो भी देख देते हैं, है ना? फर्स्ट वाला यही था। सेकंड अगर हम लोग बात करें, हाँ तो आपका ये आ जाएगा शॉर्ट सर्किट, एल इंडक्टिंग कॉइल, है ना? तो अगर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उसका भी ड्रॉ कर सकते हैं, करते हैं। देखिए जो ध्यान देना है वो यही ध्यान देना है कि इंडक्टिंग कॉइल का क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? ये हो गया शॉर्ट सर्किट, तो ये आपका है ना आई है, आई टू और इसको आई वन बोल रखा है आर, तो ये शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये हो गया कि अब इसको हटा भी सकते हैं, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। हाँ जी, नहीं आ जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में आने का मतलब ये हो गया कि आई वन इक्वल्स टू आई टू आ गया, और अगर हम लोग आई की बात करेंगे तो वो आई वन प्लस आई टू है। हाँ जी, और इस दोनों को पैरेलल और ये सीरीज, तो आप लिख सकते हो आई को E बाई आर इक्विवेलेंट, और मेरे ख्याल से R इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोनों पैरेलल में हो गया R बाई टू प्लस ये इसके साथ सीरीज में, मतलब थ्री R बाई टू। हाँ जी, देखिए तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई E बाई थ्री R बाई टू, हाँ नाउ एंड दिस इम्प्लाइज कि I2 की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो I बाई टू आ रहा है, और ये आ जाएगा E बाई थ्री आर,
बिल्कुल हम लोग लिखेंगे, है ना। ना देखिए, अगर मैं चाहूँ ना तो I1 लिखना चाहिए, I1, है ना। अब बात ऐसा है, अगर मैं I1 को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं I1 मैक्सिमम वन माइनस टी बाई टॉ। I1 मैक्सिमम मैं बता चुका हूँ, टॉ मैं बता देता हूँ। हाँ जी, टॉ को भी हम लोग लिखते हैं तो वो आता है एल बाई आर, तो वो एल बाई आर इक्विवेलेंट एक ही बार में आ जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ, और आर इक्विवेलेंट क्या होता है, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इंडक्टर। ये मैं इसको एल लिखता हूँ, एल बिटवीन टर्मिनल ऑफ इंडक्टर, जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए लिख रखा था वैसे ही। तो ये भी कर सकते हैं, देखिए मेनली तो आप इस चीज़ को कोई बड़ा बात नहीं है, सर्किट सॉल्व करने आता है और कर सकते हैं। हमें ये एनालिसिस अगर पता है ओपन सर्किट, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्किट, तो ये कैलकुलेशन या जो पोर्शन होता है वो फास्ट हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं इससे रिलेटेड। है ना, यस लिखते हैं। टर्मिनल वन एंड टू आर कनेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यस है ना, पहले यही कनेक्टेड थे, राइट। एट टी इक्वल्स टू जीरो
वन इज डिस्कनेक्टेड विथ टू एंड, ऐसा करते हैं, टू इज डिसकनेक्टेड विथ वन एंड कनेक्टेड विथ थ्री, है ना। इस टर्मिनल को जो है ये पहले वन के साथ कनेक्टेड था, इसको हम लोग ये टू के साथ थ्री के साथ करें, कनेक्टेड विथ थ्री। देन फाइंड क्या क्या करा जाए, चलिए मैं इसी को लिखता हूं आई, फाइंड आई एंड डी आई बाई डी टी एट पहला टी इक्वल्स टू जीरो एंड दूसरा टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ जी, तो इस सर्किट को अगर सॉल्व करा जाए या क्या करना चाहिए, तो हम लोग t इक्वल्स टू जीरो पर वाला जो सिचुएशन है, तो ये भाई ये वाला सिचुएशन है, और अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इतना हम लोगों को ड्रॉ करना चाहिए। और ये बात ये है कि ये लंबे टाइम तक कनेक्टेड है, तो लंबे टाइम तक कनेक्टेड होगा तो ये तो अपने मैक्सिमम पर होगा। हाँ जी, हाँ, तो मैक्सिमम पर होगा तो वैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो कनेक्टेड नहीं है, हाँ, हालांकि यही चीज जो है अब आपका ये कट के और ये यहां कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एनीवे पहले तो ये वाला था, तो आई नॉट हम लोग अगर लिखेंगे तो वो ई बाई कितना आ जाएगा, आर, क्योंकि ये ई दिया हुआ है और ये आर दिया हुआ है, समझे। नाउ यही अब आपका आई है और इसी डायरेक्शन में रहेगा भी आई, और ये 2R है और ये 4E है, हाँ, ये बात है। नाउ ये हमारा आई है, बिल्कुल। अब देखिए इस सर्किट को अब आपको लेके चलना है, तो t इक्वल्स टू जीरो पर तो इतना आ गया, अब di बाई डी टी एक टर्म पूछा है वो देख लीजिए। अभी क्या है ना, मैं इस सर्किट को ड्रॉ करता हूं, देखिए पहले इसका जो भी करंट था E बाई आर वो अभी भी यही रहेगा, तुरंत के तुरंत, कब, t इक्वल्स टू जीरो पर, तो ये करंट भी उतना ही हो गया, तो प्लस माइनस आई आर फोर ई, समझ रहे हैं, आप लिखते जाइए। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों को लिखना होगा, जो VL है, तो आप ये इस लूप में लिख दीजिए, हाँ जीरो हो जाना चाहिए। तो डेल्टा V ड्रॉप अगर हम लोग लिखेंगे, नहीं है, तो वो तो जीरो होगा नेट। आप लिखिए पहला ड्रॉप जहां से भी लिखना चाहें, आई आर, दूसरा ड्रॉप वी एल, तीसरा राइज है फोर ई, मिला के कितना, जीरो। वी एल लिखना है तो ये आ जाएगा आपका फोर ई माइनस आई आर, फोर ई, आई जो है वो तो ई बाई आर है, सॉरी ये टू आर है, टू आर है, है ना, तो यहाँ पर 2R होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका 2R होना चाहिए, और I E by R into 2R, टू ई के बराबर, और ये जो आएगा L di by कितना dt, यही तो VL है। तो इस इंस्टेंट पर di by dt आपको जो है 2E by L, ये है t इक्वल्स टू जीरो पर चल रहा है, राइट, हो गया ना।
ध्यान ये रखना है कि सिंस जैसे ही इधर करा तो इंडक्टिंग कॉइल में तो कुछ चेंज ना करा, तो हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, L1 I1 इक्वल्स टू L2 I2, करा है ना, एंड दिस इंप्लाइज कि I1 इक्वल्स टू I2, वही हमारा I है I0 के बराबर। हाँ, एनीवे टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, आपका काम खत्म है ना। तो आप लिख सकते हैं T tending to infinity, that is आपका short circuit, तो हमें तो यही draw करना है, इतना ही। हाँ, टू आर ये शॉर्ट सर्किट ही हो चुका है, तो आप I2 या फाइनल जो भी लिखना है लिखिए, 4E है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, I फाइनल भी 4E बाई 2R जो भी है, दैट्स डीआई बाई डीटी अगर आप लिखिएगा क्या जीरो, इसीलिए तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, VL जीरो है, डीआई बाई क्या डीटी, हाँ जी दैट्स ऑल है ना। तो ये हमारा जैसा भी है इंडक्टिंग कॉइल का, एक तो हमें एल डी आई बाई डी टी पोटेंशियल डिफरेंस समझ ही गए हैं, एंड देन हमें सर्किट सॉल्व करने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए।